वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ कंप्यूटर। आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। देखिए, चैप्टर का नाम था संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम। जैसे कि हमें पता है कि संख्या प्रणाली का प्रयोग कंप्यूटर में किसी डाटा या निर्देश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक संख्या प्रणाली में अंकों की संख्या अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आपको पता है अलग अलग क्या होते हैं, आपके नंबर सिस्टम होते हैं, जिससे उनके आधार भी अलग अलग होते हैं। आधार का मतलब होता है बेस। कुछ प्रचलित संख्या प्रणालियां हैं, दशमलव संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, बाइनरी सिस्टम नंबर, ऑक्टल संख्या प्रणाली, और ये होता है आपका हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। बात करते हैं बाइनरी संख्या प्रणाली। कंप्यूटर में अक्षर जो होते हैं वो बाइनरी कोड के समान प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी के जो दो प्रतीकों जीरो तथा एक का प्रयोग करते हैं। इसीलिए जो बाइनरी संख्या है उस प्रणाली का आधार दो होता है, क्योंकि इसमें हम जीरो और एक का प्रयोग करते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली में जीरो तथा एक के अंकों को बाइनरी संख्या प्रणाली या बिट कहते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली में केवल जीरो तथा एक होने के कारण इसे द्विआधारी संख्या प्रणाली भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? और जो 8 बिट होते हैं उनके एक समूह को बाइट कहते हैं। जब ये 8 बिट हो जाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं दो बिट। क्लियर स्टूडेंट्स? बाइनरी संख्या प्रणाली में घातों की क्रमशः 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 इस तरह के रूप में लिखी जाती है। जो बाइनरी डाटा है यह एक प्रकार का डाटा है जिसे बाइनरी संख्या प्रणाली में प्रदर्शित किया जाता है। यह डाटा सीधे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। यह संख्या जो होती है 0 तथा 1 के संयोजन द्वारा दर्शाया जाता है। कल मैं आपको उसका न्यूमेरिकल करा दूंगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी या डाउट है तो आप इसके लिए मुझे कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।